क्या आप भी अपनी गाड़ी का बीमा कराते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो या न्यूज आपके बहुत काम की है। आज हम बात करने वाले हैं उन गाड़ियों की जो पिकअप कैटेगरी में आते हैं, जो गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं, जिन गाड़ियों को आप खासकर पब्लिक प्रेस में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें माल ढोने का काम करते हैं, जिनमें आप किराए में इस्तेमाल करते हैं। अगर वे गाड़ियां आप बीमा कराते हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। पहला, गाड़ी की पॉलिसी लेते वक्त आप पॉलिसी में खासकर चेचिस नंबर और इंजन नंबर को ज़रूर ध्यान दें कि आपके आरसी में जो चेचिस नंबर दर्ज है वही नंबर आपकी पॉलिसी में दर्ज है या नहीं। जो इंजन नंबर आपके आरसी में दर्ज है वही इंजन नंबर आपके पॉलिसी में दर्ज है या नहीं। लास्ट के 5 डिजिट का होना अनिवार्य है। इसके बाद आप साथ ही साथ गाड़ी का नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी का मैक, व्हीकल मैक, गाड़ी का मॉडल, व्हीकल सब टाइप, यह सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि यह चीज़ें उनमें है या नहीं। अगर आप फर्स्ट पार्टी लेते हैं तो उसमें IDV कितनी दी जा रही है, उन बातों का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही साथ अभी वर्तमान में एक बात खास सामने आती है कि कुछ जगहों में वे गाड़ियां प्राइवेट और पब्लिक दो प्रकार की गाड़ियां होती हैं। प्राइवेट उन गाड़ियों को कहा जाता है जो एक कंपनी के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में चलाई जाती है, उन गाड़ियों को प्राइवेट गाड़ियां कहा जाता है। उसी तरह वे गाड़ियां जो आम व्यक्ति पिकअप वगैरह राह में चलाते हैं, अर्थात पब्लिक जगहों में चलाते हैं, जहां से लोगों का आना जाना होता है, जहां से लोग अपने सामान्य कारोबार करते हैं, उन्हें पब्लिक गाड़ियां कहा जाता है। इनमें दो कैटेगरी है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट की जो बीमा राशि होती है वह कम होती है, जबकि पब्लिक की जो बीमा राशि होती है वह अधिक होती है। इनकी दो वजह आपको साफ कर दिया गया है कि प्राइवेट गाड़ियां एक कंपनी की गाड़ी होती है, किसी आम व्यक्ति की गाड़ी नहीं होती, और पब्लिक गाड़ियां वह गाड़ियां होती है जो कोई भी व्यक्ति की गाड़ी हो सकती है। अगर आपको कम दाम लेकर प्राइवेट गाड़ी का बीमा दिया जा रहा है तो आप धोखे में हैं, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आपको कोई भी ऐसी स्थिति हो जाती है जिस स्थिति में आपके ऊपर मुकदमा दायर होता है या पुलिस केस हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा आपको कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा, या आप ख्याल रहें और यह बात आप क्लियर रखें। खासकर आप इस बात का पता जिस बीमा कंपनी से आप बीमा करा रहे हैं उस बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर में कॉल करके भी पता लगा सकते हैं। वहीं आप अगर पब्लिक गाड़ियां लेते हैं जबकि आपकी गाड़ियां पब्लिक में चल रही हैं तो उन गाड़ियों में कोई दिक्कतें नहीं हैं, इन बातों का ख्याल रखें। इसके साथ साथ आप खासकर गाड़ी में जो नाम का इस्तेमाल किया गया है वह RC बुक का मिलान ज़रूर करें, उसके अलावा आपके पते का मिलान ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ आपके फ्यूल टाइप पेट्रोल है या डीजल है, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। इसके साथ आप पॉल्यूशन का भी ध्यान रखें और समय समय पर आप गाड़ी का बीमा ज़रूर रिन्यूअल कराते रहें। इसके अलावा भी अगर आप कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवश्य बताएं, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। हमारे प्रिय पाठक दर्शकगण से निवेदन है कि आपकी नज़दीकी खबरें, समाचार, विज्ञापन, शिकायत, सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से ज़रूर भेजें। हमारी ईमेल ID है news0khabar24@gmail.com। हमारे प्रिय पाठक दर्शकगण से निवेदन है कि सच दिखाने में हमारी मदद करें, अपनी इच्छा अनुसार हमें सहयोग राशि हमारी पेमेंट लिंक के माध्यम से अवश्य भेजें। हम आपके द्वारा ईमेल में भेजे गए समाचार, विज्ञापन व अन्य सुझाव को अवश्य दिखाया करेंगे।